जय हिंद दोस्तों, जय हिंद नमस्कार। आप सभी को। राधे राधे। तो आप लोग को जैसा कि पता है, आज हमारा एनिवर्सरी है, तो आज हम जा रहे हैं, है ना, मंदिर मंदिर जाएंगे। जाएंगे। और आप लोगों ने, बहुत लोगों ने हमें विश किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा दिन बहुत स्पेशल आप लोगों ने बना दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। हम चलेंगे मंदिर। ठीक है, तो सुबह बजे है, आज 9 बजे है। मैडम जी देखिए साड़ी पहनी है आज, हाँ, मैं नहा लूँ साड़ी पहले। लूट। मैं अभी अभी आया हूँ आउटपोस्ट से, सर को बोल के, सर आज मेरा एनिवर्सरी है तो थोड़ा जाने दीजिए। तो फिर बोले ठीक है जल्दी आ जाना, मैं फ़ोन करूँगा तो आ जाना। बोले ठीक है जाओ। तो ये मेरे लिए और वहां से क्या लेके आया पता है? असम का असम वाला आप लोग जामुन नहीं खाए जामुन होंगे, दिखाता हूँ, अलग ही दिखाया। प्रकार का रहता हाँ, है। दिखाओ दिखाओ। ये है असम का जामुन, मतलब ये अलग ही प्रकार का है, अमरूद और जैसा खाने में छोटा भी छोटा। सुगंध आ रहा है। इसमें ना परफ्यूम जैसा मतलब स्मेल आ रहा है, इसको खाने से ना परफ्यूम है। देखिए आम लाए हैं, आम भी वहाँ फला था तो आम भी तोड़ के लाए हैं, और ये पन्नी में भी आम वहाँ पे तोड़ रहे थे तो बोले कि ले ले जा घर घर के लिए, तो फिर घर के लिए आम तोड़ के लाया हूँ। और ये मेरा दोस्त पकाया था दो आम, उसको दिया है। और ये देखिए कितना बड़ा बड़ा है जामुन। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे बोल रहा है खा के टेस्ट करने के लिए, तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसा वाला जामुन देखी। हमारे घर पे तो मैं भी फर्स्ट काला टाइम ही रहता खाया है। आज ना, मेरा दोस्त दिखाया जामुन, तेरे को आज अलग प्रकार का जामुन दिखाता हूँ। तो मेरे को लेके गया और दिखाया और बोलता है खा के देख। मैं खाया, अच्छा लगा मेरे को यार। मैं बोला पहली बार देख रहा हूँ ऐसा इसका जामुन। बीज कैसा है? हाँ इसका बीज भी बड़ा बड़ा रहता है, छोटा मतलब पत्थर का छोटा सा गिट्टी टाइप का। देखो हाँ देखो अच्छा लगता है ना, अच्छा है ना, नारियल जैसे नहीं लग रहा? नहीं अच्छा लग रहा मेरे को, तो अच्छा लगा। मैं सोचा मेरे को अच्छा लगा है तो मैडम जी तो खाती ही हैं फल वल। मतलब ना, थोड़ा पचर्रा टाइप का है। मतलब अच्छा जामुन बोलने से हमारे उधर थोड़ा दूसरा रहता है। हाँ ये खोखला वाला जामुन हाँ, एकदम अजीब वाला है। मतलब मैं मीठा सोचा है। खाएंगी करके ले आया हूँ, उतना सारा खा ही नहीं रही, खाएंगे, देखते हैं खाते हैं। नारियल जैसे लग रहा मेरे था। को पहले क्या लगा, ये वो है, सुपारी है। नहीं सुपारी खा भी नहीं करते तो काहे के खाओ, स्मेल कर रहे हैं स्मेल परफ्यूम नहीं परफ्यूम जैसे उसमें ना। स्मेल आते हैं। हाँ वही तो। ठीक है दोस्तों, अब हम जाएंगे मंदिर, तो हमारा व्लॉग आज पूरा देखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, ये मैडम जी का साड़ी लुक, हम लोग बहुत लोग बिस्किट भी बोल लेके रहे थे। जाएंगे, हैं बिस्किट भी हाँ लेके जाएंगे। बिस्किट भी लेके जाएंगे, वहाँ पे डॉगी लोग मिलेंगे मुझे तो। सही में साड़ी पहनना उतने अच्छे से तो नहीं आता है, ये बंद ही बंद कर रहे, पता नहीं फिर भी पहन ली जैसे जैसे। ये गिफ्ट कौन किया था, दिल पता नहीं कौन किया था। चलो बेज्जती ठीक है, कर चलते दी। हैं। निकल रहे हैं, मैडम जी दरवाजा लगा रही हैं, देखो सलाम, माहौल लगा लेना। कोई बात नहीं चलो। पहुंच गए हैं मंदिर। ये वाला मंदिर आपको पहले भी हमने दिखाया है व्लॉग में, हम यहीं आते हैं कुछ भी पूजा करने के लिए। मैं उतर गई स्कूटी से क्योंकि देख सकते हो कैसा दिख रहा है ये, रिस्की था भाई, गिरा विरा देते तो हो जाता मेरा काम। इसमें काम पूरा झड़िए है, मंदिर खुला है, आइए। चलिए चलो ना दोस्तों, अब हम आ गए हैं मंदिर में। फूल तोड़ने देखिए हम यहाँ इस मंदिर में पहले भी आ चुके हैं तो आप लोग देखे ही हैं। ये देखिए राम भगवान जी की बहुत मूर्ति है, है। राम भगवान जी का। यहाँ हरियाली देखिए कितना शानदार हरियाली है, ये वाला मौसम फूल भी आज लेना मार्केट बहुत से ले। अच्छा है। हाँ ये वाला फूल ये देखिए मैडम जी को पूजा सामग्री रखी हुई है, तो अभी हम पूजा करेंगे तो फूल बने तोड़ रहिए देंगे हमारे हम। व्लॉग में। हाँ फूल फूल तो तोड़ लो, ज़्यादा मत तोड़ना, माली गरी आएंगे नहीं तो। कैसा लग रहा देखिए, कितना प्यारा फूल लगा है, देख सकते हो ये गुलाबी कलर का। और हरियाली तो देख ही रहे हो आप लोग, कितना मस्त है। देखो कितना सुंदर कान्हा जी को सजाया है, ऐसा कितना वाला फूल, देखो कितना प्यारा ये फूल फूलों है, की पत्ते हैं, फूल के साथ साथ तुम भी अच्छे इसका लग रहे पत्ती हो। जैसा है। देखो हाँ इसका पत्ती जैसा, देखो ना इसको दिखाओ तो, देखो कितना प्यारा फूल है सच में। पत्ती है ये।
पत्ती नहीं है फूल। मतलब पत्ती क्या कार का है? तो भगवान का कितना, देखिए कान्हा जी कितना प्यारा लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, कोई पूजा करके गया है। तो जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, कितना प्यारा मूर्ति है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, ये प्रसाद चढ़ा हुआ है। यहाँ पे हैं भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत प्यारा मंदिर है ये, और यहाँ पर देख सकते हैं राम भगवान जी, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, जय श्री राम, कितनी प्यारी मूर्ति है। हाँ, लीची का पेड़ है क्या? इनको तो लीची खान कुछ भी खाने को बस दिख जाए। हाँ लग रहा है, पहले पूजा तो कर लो। चलो ना फूल तोड़ने, वो तो लगा है क्या फूल? ये देखिए यहाँ कितनी हरियाली है, यहाँ के घर देखो कितना सुंदर दिख रहा है, अगल बगल का घर कितना मस्त है वातावरण। वो लगा है देखो फूल लाल जी को, देखिए नंगे पैर आने में चुभ रहा था, चप्पल पहनने गई थी बहुत, अभी धूप करने लग गया यार। हम आज हमेशा शुरू में अच्छा मौसम रहेगा, धूप करने लगता है। ये क्या वाला फूल है? देखिए पूरा हरियाली, पंडित जी की गाय यहाँ पे चारा चरने के लिए छोड़ दिए हैं। ये देखिए उसका बच्चा छोटा सा डरपोकना, इतना मस्त ये। अरे मत करो ना उसको, छोड़ो, देखो कितना सारा फूल मदार का, मारेगा फेंकाश होगी, रहने दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो? कितना प्यारे है ना, मार देगा ना, रहने दो। ये देखो फूल, अब डर गई थी अभी। डरपोक है, कितना? दो तीन तोड़ लो, काफी। देखो धूप है नहीं लेकिन इतना उमस रहा है। धूप कर रहा है थोड़ा सा, दो और तोड़ ना, तोड़ लो जब पहुंचा रहे तो। वो तो डर रहा है देख के। क्यों डर रहा है बाबू? बिस्किट खिलाएंगे, ठीक है? उसकी मम्मी है ना। चलो देखो कितना सुंदर हरा घास मिला, इसको फिर भी डर रहा है पदरू। आई तो फाइनली इन्होंने फूल तोड़ लिया है। देखो दोस्तों आज मौसम तो अच्छा था, आते आते देखो फिर धूप कर दिया। तो देखो तो मेरे साड़ी में पूजा क्या कर लग लेते हैं, वो लग गया होगा, कांटा लग गया होगा। ठीक है अब पूजा कर लेते हैं, फिर हम लोग आपको दिखाएंगे आगे का ब्लॉक। पूजा का तैयारी कर रही हैं, कान्हा जी का सामान लेकर आई हैं घर से। तुलसी कहाँ पे, यहाँ पे है क्या तुलसी? देखो तो नहीं है तुलसी। हाँ तुलसी है क्या? देखो तो बैठे हैं साथ में, प्रसाद चढ़ा दिए हैं, अगरबत्ती जल रहा है। देखिए कितनी प्यारी मूर्ति है कृष्ण राधा जी की, मीनाक्षी जी ने ऊपर चढ़ाया है फूल भगवान जी के। चलो जय श्री राधा रमण, जय श्री कृष्ण। चलो कृष्ण भगवान की पूजा हो चुकी है, अब आते हैं भोलेनाथ जी के पास। ये हमारे भोलेनाथ जी, यहाँ भी पूजा करेंगे। अभी नाथ जी को नहला रहे हैं, पानी भर के लाए हैं अभी। ये देखिए नज़ारा कितना शानदार, ये झोपड़ी हरियाली देखिए यहाँ का, बहुत ही शानदार है ये मंदिर परिसर है। कपूर जलाया है अभी, अब भगवान श्री राम जी के दर्शन कर लेते हैं हम। देखिए कितनी सुंदर
प्रतिमा है भगवान जी की। हम तो वैसे भी बजरंग बली के भक्त हैं, तो प्रभु श्री राम की सेवा करने का सौभाग्य मिला है आज के शुभ दिन में। हाँ, तो अभी पूजा कर लेते हैं दोस्तों, फिर हम ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है? पूजा नहीं हो पा रहे तो पहले हम पूजा अच्छे से कर लेते हैं, फिर हमारा ब्लॉग देखिएगा, ठीक है दोस्तों? जय श्री राम, जय बजरंग बली। दोस्तों हम लोग ने पूजा कर लिया है, बहुत गर्मी था बाहर, है ना? हनुमान चालीसा आज मंगलवार भी था, तो हम दोनों ने मिलकर है ना हनुमान चालीसा पढ़ा, और अभी बाहर आकर बैठे हैं। पूरा देख सकते हो, पूरा फेस पसीना पसीना हो गया है ना। तो आज का हमारा दिन सफल रहा, भगवान जी के दर्शन भी हो गए और मेरे को आने के लिए भी मिल गया, देखिए है ना। नहीं तो ड्यूटी लग जाता तो आ भी नहीं पाता, इसी बहाने भगवान जी के दर्शन हो गए। तो ठीक है, अब थोड़ा घूम लेते हैं, फिर जाएंगे अब घर, थोड़ा आराम करना है क्योंकि आज पूरी 8 घंटा ड्यूटी है। तो ठीक है दोस्तों, कुछ बोलना है? तभी तो एंड नहीं करना है ना ब्लॉग, ही एंड करना है पे। क्या यहीं पे एंड करना है क्या ब्लॉग? हाँ, और क्या? हाँ, और भी ब्लॉग बनाते हैं लेकिन अभी टाइम नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, प्रार्थना की आप सबके लिए भी प्रार्थना की है, सब सुखी रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो और हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है? और सपोर्ट कीजिए हमें, थैंक यू, ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने इतना हम लोगों को विश किया, हमारा दिन बहुत स्पेशल बना दिया, ठीक है? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, बाय, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, ऐसे ही प्यार देते रहिए।